वैद्यकीय क्षेत्र में हो रही नई उपलब्धियों के बारे में एक्सपर्ट्स द्वारा जानकारी मिले और एसोसिएशन ऑफ मेडिकल फैकल्टीज की नई कार्यकारिणी के पद ग्रहण के उद्देश्य से रविवार को समारोह का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी शुक्रवार को आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। एसोसिएशन ऑफ मेडिकल फैकल्टी के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर खोबराखड़े और मानद सचिव डॉक्टर नितिन वडस्कर इनके नेतृत्व में एसोसिएशन ऑफ मेडिकल फैकल्टी की नई कार्यकारिणी का पद ग्रहण समारोह रविवार 8 तारीख को आयोजित किया गया है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। इस दौरान बताया गया कि इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पालक मंत्री नितिन राउत उपस्थित होंगे। आगे उन्होंने कहा कि मेडिकल फील्ड में जितने भी नए इन्वेंशन है, नई उपलब्धियां है, उनके द्वारा मेडिकल क्षेत्र के लोगों को अधिक जानकारी मिले, यह इस समारोह का मुख्य उद्देश्य है। सभी पत्रकार बंधु और भगिनी को डॉक्टर शंकर खोबराखड़े, डॉक्टर नितिन वडस्कर इनके तरफ से नमस्कार। और ये हमारा उद्देश्य डॉक्टर लोगों की संस्था है एसोसिएशन ऑफ मेडिकल फैकल्टीज नागपुर, जिसके मेंबर्स है 500, उनके लिए हम लोगों ने एक परिसंवाद और इंस्टॉलेशन का जो प्रोग्राम होने वाला है संडे 8 अगस्त को होटल सेंटर पॉइंट में, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे पत्रकार परिषद रखे हैं। और हमारा उद्देश्य ही है कि मेडिकल फील्ड में जितने भी जानकारी होती है, जैसे हार्ट है, डायबिटीज़ है और मेडिकल निग्लिजेंस है, कोरोना है और वेरियस कैंसर्स, इसके बारे में हमारे जो एक्सपर्ट है उनके जो मार्गदर्शन है और रिसेंट एडवांसेस है, उनकी उपलब्धियाँ हमारे सभी मेंबर्स को मिलने के लिए हमने कार्यक्रम आयोजित किया है। और इसके मुख्य अतिथि डॉक्टर नितिन जी राउत रहेंगे, डॉक्टर चंद्रशेखर मिश्राम और डॉक्टर गोपीनाथ जी शेनाय रहेंगे। तो आप सभी को हमारा आयोजित पत्रकार परिषद में अध्यक्ष डॉक्टर शंकर खोबराखड़े, सचिव डॉक्टर नितिन वडस्कर समेत अन्य लोग उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।